यहाँ पर साबिर पाक की जानकारी के लिए आपको एक विशेष रूप से अच्छी तरह से बताना चाह रहा हूँ कि साबिर पाक रहमतुल्ला अलैह को यहाँ कलियर शरीफ में आए हुए 755 वर्ष हो गए। आपने 12 साल तक यहाँ पर लंगर को तस्कीन किए और लंगर तस्कीन करके आप चिराग जहाँ रोशन होता है गुलर के पेड़ के पास, वहाँ आप खड़े हो जाते थे और वहाँ खड़े रहते थे। वो खड़े रह गए, खाना नहीं आपने खाए थे, क्योंकि आपके पीर मुर्शद ने ये बताया कि आप वहाँ लंगर बांटना, लंगर खाने के लिए नहीं कहे थे, तो आपने लंगर नहीं खाए थे, लंगर बांटे ही थे। तो आपने लाहौर, आपके पीर मुर्शद बाबा फरीद सकरगंज रहमतुल्ला अलैह लाहौर में पाक पटन में उन्होंने इजाज़त दी कि भाई साहब इस फैमिली में 10 लोग बैठे हुए हैं, कौन ऐसा शख्स है जो जाकर हमारे साबिर पाक को वहाँ पर बैठा सकता है। तो ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्ला अलैह हैं, ये 755वां उर्स है। इस टाइम में ये ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्ला अलैह का भी उर्स मनाया जा रहा है पानीपत में। आज उनकी पहली रोशनी है, कल दूसरी रोशनी है और उनके बाद परसों कुल हो जाएगा, फिर वहाँ से छड़ी रवाना गरीब नवाज के लिए, अजमेर शरीफ के लिए रवाना होती है। तो आप बोले कि साबिर पाक को यहाँ पर कौन बैठा सकता है, तो आपने ये फरमाया कि आप इजाज़त दें तो हम जाएं। बोले कि जाइए, आप बैठा सकते, बोले कि आप इजाज़त दें, आप गए। तो बोले कि भाई पीछे ही रहना, आगे नहीं जाना। तो आप पीछे खड़े होकर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्ला अलैह, तो साबिर पाक बोले कि आप खड़े होकर कुरान शरीफ क्यों पढ़ रहे, बैठ जाइए। बोले कि आका खड़े रहें और गुलाम बैठ जाए। चलो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, इन्होंने बाबा साबिर साहब के उसमें सब कुछ बताया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।